अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम है सुफियान इकराम और आज हम मौजूद हैं आईसीएस कंप्यूटर साइंस पार्ट वन के एक नए लेक्चर में। तो सर, लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे प्रिंटर्स की, तो हमने प्रिंटर्स में से इम्पैक्ट प्रिंटर्स को पढ़ लिया था। आज हमारा टॉपिक है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। तो स्टूडेंट्स, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इस बात का ध्यान रखिएगा कि इम्पैक्ट प्रिंटर्स और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इनफैक्ट प्रिंटर्स का जो सारा का सारा टॉपिक है वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 1 के लॉन्ग क्वेश्चंस में से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन प्रिंटर्स में से कंसीडर किया जाता है। तो ध्यान से समझिएगा, बड़ा इजी टॉपिक है, लेकिन बस आपने थोड़ी सी कंसंट्रेशन बना कर रखनी है और इंशाल्लाह टॉपिक आपको समझ आ जाएगा। तो सर, स्टार्ट करते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स तो हम पढ़ चुके हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स कौन से होते हैं? फॉर्म करेक्टर्स एंड इमेजेस विदाउट मेकिंग डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन प्रिंटिंग मैकेनिज्म एंड पेपर। यानी जब हमने इम्पैक्ट प्रिंटर्स पढ़े थे तो वो क्या करते थे, वो इमेज को या करेक्टर को क्रिएट करते थे बाय स्ट्राइकिंग ऑन द पेपर, जबकि यहाँ पे करेक्टर्स और इमेजेस पेपर के साथ कोई भी फिजिकल कॉन्टैक्ट किए बगैर क्रिएट हो रहे हैं। तो ऐसे तमाम प्रिंटर्स को हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स कहते हैं। अब बेसिकली तीन टाइप्स के प्रिंटर्स हैं, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर एंड थर्मल प्रिंटर्स। तो फ्रेंड्स, लेजर प्रिंटर्स बिल्कुल फोटोकॉपियर मशीन्स की तरह काम करते हैं, यानी इनकी इंटरनल वर्किंग वैसे ही है जैसे फोटोकॉपियर की इंटरनल वर्किंग है। तो अब ये जो इमेज क्रिएट करने का प्रिंसिपल यूज करते हैं वो डॉट मैट्रिक्स की तरह ही है, यानी इसके अंदर भी जो इमेजेस क्रिएट होती हैं वो डॉट्स की मदद से क्रिएट की जाती हैं। वैसे भी नॉर्मली आप किसी भी प्रिंटर की रेजोल्यूशन को मालूम करना हो तो वो नॉर्मली DPI यानी डॉट्स पर इंच के अंदर कैलकुलेट की जाती है, जबकि किसी भी स्क्रीन की रेजोल्यूशन को मालूम करना हो तो वो पिक्सल पर इंच से कैलकुलेट की जाती है। अब लेजर प्रिंटर्स की अगर बात करें तो इनके इंटरनल मैकेनिज्म की बात करें तो ये कुछ इस तरीके से काम कर रहे होते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे इमेज के अंदर दिखाया जा रहा है कि हमारे पास इसके अंदर एक ड्रम होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक ड्रम होता है। यानी जैसे ये हमारे पास एक ग्रीन कलर का जितना है, ये एक ड्रम है। इस ड्रम को तमाम हिस्से को चार्ज कर लिया जाता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इस ड्रम को सारे के सारे को नेगेटिवली चार्ज कर लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद होता कुछ यूं है कि हमारी लेजर की मदद से हमारे उन तमाम एरियाज को ड्रम के ऊपर से डिस्चार्ज कर दिया जाता है या पॉजिटिवली चार्ज कर दिया जाता है जिनके ऊपर हमारी इमेज क्रिएट हो रही होती है। जैसे हमारे पास यहाँ पे इस लेजर की मदद से ये जो इमेज है, इमेज वाले एरियाज को, उन एरियाज को पॉजिटिवली चार्ज कर लिया जाता है, बाकी तमाम एरिया जो है हमारे पास वो नेगेटिवली चार्ज होता है। फर्दर कुछ होता यूँ है कि इसके अंदर जो इंक यूज होती है जिसको हम टोनर कहते हैं, वो टोनर भी नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। अब चूंकि हमें पता है कि नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और एक दूसरे को से दूर भागते हैं, जबकि नेगेटिव और पॉजिटिव यानी डिफरेंट जो चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो होता ही है कि जब ये ड्रम जो है वो रोल करता है और ये रोल करके वो तमाम एरिया जो कि पॉजिटिवली चार्ज हो चुके होते हैं वो जब हमारे टोनर के ड्रम के पास से गुजरते हैं, अब चूंकि टोनर भी नेगेटिवली चार्ज है और ड्रम भी नेगेटिवली चार्ज है, लेकिन वो एरिया जिसमें हमारी इमेज मौजूद है वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज यानी हमारी इमेज वाले जितने हिस्से हैं उसके ऊपर हमारा टोनर शिफ्ट हो जाता है। फिर उस टोनर को ड्रम के थ्रू किसी न किसी पेपर के ऊपर शिफ्ट कर दिया जाता है और फिर वो पेपर को हीटिंग रोलर्स के अंदर से गुजारा जाता है जिनसे वो टोनर जो कि पेपर पे शिफ्ट किया गया होता है वो अच्छे तरीके से उसके ऊपर पेस्ट हो जाता है।
अब जैसे देखें, कहता है इमेजेस आर क्रिएटेड ऑन ड्रम, यानी ड्रम के ऊपर चार्ज की मदद से इमेज को क्रिएट किया जाता है। ट्रीटेड विद मैग्नेटिकली चार्ज इंक लाइक टोनर, यानी फिर उसके ऊपर उसको उस ड्रम को टोनर के पास से गुजारा जाता है। देन ट्रांसफर फ्रॉम ड्रम टू द पेपर, और फिर जो इमेज होती है वो ड्रम से पेपर पे ट्रांसफर कर दी जाती है। अब इस तरह के जो प्रिंटर्स हैं वो काफी हाई क्वालिटी की जो इमेजेस हैं वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और इनकी स्पीड भी काफी अच्छी होती है, यानी स्पीड इज 4 to 32 टेक्स्ट ओनली पेजेस फॉर माइक्रो कंप्यूटर्स एंड अप टू 200 पेजेस फॉर मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो हमारे माइक्रो कंप्यूटर्स के लिए अगर टेक्स्ट ओनली पेजेस वो पेजेस होते हैं कि जिसके अंदर सिर्फ टेक्स्ट हो, इमेजेस ज्यादा ना हो, तो टेक्स्ट ओनली पेजेस उन पेजेस को कहा जाता है। तो 4 से लेके 32 पेजेस ये तकरीबन 1 मिनट के अंदर प्रोड्यूस कर लेता है। हमारे जो माइक्रो कंप्यूटर है उनसे थोड़े फास्ट कंप्यूटर से बात की जाए, जिनको हम मेन फ्रेम कंप्यूटर कहते हैं, तो उनके साथ ये तकरीबन 200 पेजेस तक 1 मिनट के अंदर प्रोड्यूस करने के काबिल होता है। इसकी वर्किंग को जरा एक मरतबा रिवाइज कर लेते हैं, और यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है, इस लिंक के थ्रू हम इसकी वर्किंग को जरा देख लेते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले हमारे पास ये ड्रम होता है, ठीक है, और इस ड्रम की मदद से नेगेटिवली चार्ज कर लिया जाता है, ठीक है। अब देखें कि हमारा जो ड्रम है वो इस रोलर की मदद से सारा का सारा नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। उसके बाद हमारी जो लेजर है, इस लेजर से उन तमाम पार्ट्स को वापस पॉजिटिवली चार्ज किया जाता है कि जहां पे हमारी इमेजेस मौजूद होती है। उसके बाद ये हमारे पास टोनर होता है, और ये टोनर भी जो है वो चूंकि पॉजिटिवली चार्ज होता है, सॉरी नेगेटिवली चार्ज होता है, तो होता यूं है कि हमारी जब ड्रम के पास से रोलर पास ऑन करता है तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये जो टोनर नजर आ रहा है ये तमाम पॉजिटिव एरियाज के ऊपर चिपक जाता है, और इस तरीके से फिर वो रोलर चूंकि हमारे पास हमारे पेपर के ऊपर के पास से गुजर रहा होता है, तो वो जो टोनर हमारे ड्रम के ऊपर लगा होता है वो पेपर के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। इस तरीके से हमारा प्रिंट क्रिएट हो रहा होता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा एक ड्रम जो है, अगर हम ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर की बात करें तो हमारे पास एक ही ड्रम काम कर रहा होता है जो कि ब्लैक कलर के टोनर को इस्तेमाल करता है, जबकि अगर हम बात करें कलर प्रिंटर्स की तो हमें पता होना चाहिए कि तीन हमारे पास प्रिंटिंग कलर्स होते हैं, जिनको हम सियान, मैजेंटा और येलो, यानी ये तीन कलर्स होते हैं जिनको हम प्रिंटिंग कलर्स कहते हैं। यानी अगर हम स्क्रीन के कलर्स की बात करें तो हमारे पास तीन कलर्स होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू, जबकि प्रिंटिंग कलर्स होते हैं हमारे पास सियान, मैजेंटा और येलो, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे तीन रोलर काम कर रहे होंगे, हर कलर के लिए डिफरेंट रोलर होता है, ठीक है। इस तरीके से हमारा एक कलर इमेज जो है वो पेपर के ऊपर जनरेट हो पाता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इस कलरिंग साइकिल को देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा कि प्रिंटिंग कलर्स और स्क्रीन के जो कलर्स हैं उनके में क्या डिफरेंस है। तो देखें, ये हमारे पास ये जो एरिया है ये मैजेंटा कलर होता है, ये हमारे पास ये वाला जो एरिया है ये येलो कलर होता है, और ये हमारे पास ये वाला एरिया ये सियान कलर होता है। तो अब हमारे पास इन्हीं कलर्स की मदद से
रेड, ब्लू और ग्रीन कलर्स को भी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो अब जब स्क्रीन की बात करेंगे तो हमारे पास रेड, ब्लू और ग्रीन, इन कलर्स को इस्तेमाल करके हमारी इमेज क्रिएट हो रही होती है। जबकि हमारे जो प्रिंटिंग कलर्स होते हैं, यानी पेपर के ऊपर प्रिंट निकालने के लिए जब कलर्स के का इस्तेमाल किया जाता है, तो वहाँ रेड नहीं इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि रेड को हम मजेंटा और येलो की मदद से बनाते हैं। येलो को सॉरी ग्रीन कलर को येलो और सियान की मदद से, जबकि ब्लू कलर को सियान और मजेंटा, इन दोनों कलर्स की मदद से जनरेट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी, और अगर कोई चीज़ या कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आया तो उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको उस क्वेश्चन का जो आप पूछेंगे उसका आंसर दे सकूं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, अपना और अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखिएगा, और मेरा यानी सुफियान इकराम का सलाम पहुँचाइएगा। अल्लाह हाफिज़।